सुनी और दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी रोमांटिक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। आप वो टॉपिक है आपका बायोलॉजी का, कौन सी का? बायोलॉजी का। और बायोलॉजी तो आपको अच्छा लगता ही है, कारण कि आप लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग देते हैं। तो आइए आप लोग के मतलब कई सारे हमने टॉपिक बायोलॉजी में पहले भेजे हैं और आज फिर तुम लोग के नई टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं और मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह शुभकामना करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जाने और इसके लिए आप लोगों के पास पहले भेजिए, ठीक है?
संगीता तंत्र की जो सबसे छोटी जो कोशिका हुई ठीक है, तंत्रिका कोशिका का जो आपका जिस कोशिका के मिलने से तंत्रिका ऊतक बनता है उस कोशिका को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका को ही बोलते हैं न्यूरॉन। और बताए थे कि मनुष्य के शरीर में आपका न्यूरॉन जो होता है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन होती है। और इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसकी सारी कहानी भी बता दी है, उसको सामने ला करके और क्लास के बाद मैंने उसको भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। तो देखिए बच्चे सभी आप लोग जान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है मनुष्य जंतुओं में इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। तो एक भाग हो जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ये समझिए तंत्रिका तंत्र अगर कोई पूछे तुम लोग से कि कितने प्रकार से होते हैं तो बोलेंगे दो प्रकार का होता है। तो एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यही दोनों का आप लोग को हम डिटेल से यानी समझाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग दिमाग को एकदम साफ कीजिए और आइए समझने को तैयार हो जाइए। देखिए बाबू केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र होता है इसका भी दो भाग होता है। तब एक जो भाग होता है वह आपका मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क कहते हो जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। और दूसरा जो होता है देखिए ये होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वह होता है देखा गया मेरुरज्जु ठीक है, मेरुरज्जु जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये दो तरह का देखिए आपके शरीर में होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये दो भाग होता है। अब समझिए सब लगते ये जो मस्तिष्क जो देख रहे हो तुम लोग ये समझिए तुम्हारा यानी खोपड़ी में पाया जाता है ठीक है। जो शरीर का सबसे ऊपर का भाग है ना तो ये जो कहता है कि खोपड़ी कह रहे हो इसी खोपड़ी में आपका होता है मस्तिष्क होता है। तो देखता है इस ब्रेन को रखने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। कौन सी बना दिया है? बॉक्स बना दिया है जिसको बॉडी बॉक्स कहते हैं। कौन बॉक्स कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक होता है बोन से बनता है बोनी यानी बोनी बॉक्स होता है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो खोपड़ी देख रहा है वाला एक खोपड़ी यानी एक बॉक्स है। कभी कभी देखा होगा कि रोड के किनारे जब मैजिशियन जादूगर वाला जब जादू दिखा के रहेगा तो देखा है और एक मनुष्य का खोपड़ी रखता है। देखे हो कभी कभी गांव में देखता हो गाय भैंस मर जाता होगा और उसके बताओ ऊपर वाला जो त्वचा मांस जब गल जाता है तो उसका देखे खोपड़ी दिखाई पड़ता है और खोपड़ी में जगह जगह पर देखे गड्ढा गड्ढा बना रहेगा। देखे हो सोचिए कि वो गॉड कितना बड़ा साइंटिस्ट है कि आपका देखिए ये ब्रेन के अंदर कैसे कैसे सिस्टम भर दिया है। तो देखिए बाबू एक जो होता है मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हो तो ये ब्रेन का समझिए कि आपका कोई पूछे कि ब्रेन होता है कहाँ तब बोलेगा कि ये जो ब्रेन होता है ये जो खोपड़ी देख रहे हो ये बॉक्स हड्डी का अस्थि हड्डी है ना देखा सबसे कठोर हड्डी होता है। कभी कभी देखता है मुख से वो एक लड़का उधर से तुम जा रहे हो उधर से दोनों का सिर टकराया जाता है तो काफी चोट लगता है नहीं। कभी कभी देखता है वो सिर पर बताओ ढेला गिर जाता है तो ऊपर ढेला टूट जाता है लेकिन ये आपका हड्डी नहीं टूटता है। सोचिए कितना कठोर है बस खजन है। और लड़कियों को तो कहना ही नहीं है इन लोगों का सिर और होता है कठोर होता है क्योंकि इतना ऊपर से बाल रखे रहती है तब बाल नहीं बताओ तो देखता है रोड पर आदमी पागल बन जाता है। तो
समझिए जो रीढ़ की हड्डी है समझे तब रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी रीढ़ की हड्डी में ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं मूंछी ठीक है अब झिल्ली के अंदर में क्या होता है कि देखिए
झिल्ली टूटने के बाद तब झिल्ली पर चोट आता है, और झिल्ली पर जैसे चोट आता है इसके अंदर में बताऊं द्रव भरा हुआ है, तो द्रव होने के कारण दब जाता है, तो दब जाता है, तो फिजिक्स के अंदर सार बताइए आपका चोट यहाँ कम लगता है अंदर, तो इसके अंदर जो पार्ट टूट जा है वहां पर चोट कम लग गया कि नहीं लग गया, क्योंकि बताओ जैसे आप सोचिए कि आप है और आप अपने सिर पर बताओ तकिया रख लिया, रुई भरा हुआ स्पंज भरा हुआ क्या रख लिया, तकिया रख लिया, अब ऊपर से कोई सिर पर ईंट अगर पटकता है तो बताइए क्या आपका सिर फूटेगा, बोलो जी लड़कियां लड़के देख रहे हो ना सभी लड़के अभी आप लोग लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो बताइए आप लोग कि अगर सिर के ऊपर स्पंज वाला तकिया रख दिया जाए और ऊपर से ईंट को गिराया जाए तो क्या बताओ सिर फूटेगा नहीं, कारण कि जैसे ईंट गिरेगा तो वैसे क्या हुआ दब गया, अब दब गया तो फिजिक्स में बता दिया है कि अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अब बल के कारण संवेग परिवर्तन अगर हो रहा है तो संवेग परिवर्तन करने में जितना समय ज्यादा लोगे उतना ही बल का प्रभाव कम पड़ेगा, एक बराबर पिट्टू माइनस पीवन बाई टी याद है बताते जैसा क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद का कैच तो लेता है लेकिन कैच लेने क्या करता है हाथ को पीछे खींचता है, हैं तब उसी तरह से सोचिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर में द्रव दिख रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं परम मस्तिष्क द्रव कहते हैं, समझिए यानी परम मस्तिष्क यानी द्रव कहते हैं, तो एक परम मस्तिष्क द्रव होता है और एक झिल्ली देख रहे हो इसी झिल्ली को मस्तिष्कावरण कहते हैं, मस्तिष्कावरण यानी मस्तिष्क जो आवरण, ठीक है अब देखिए सभी लगते हैं इसके अंदर में क्या होता है जो अग्र पाठ आता है उसके बाद में देख रहे हैं, तो अग्र भाग में देखा जाए यहां से क्या होते हैं, ठीक है तो यहां से देखा जाए इसको ला करके यहां पर ऐड कर दीजिए, ठीक है आप देखेंगे सब तो इन्हीं से क्या होता है कि अग्र भाग में देखा जाए एक पार्ट्स होता है, तो ये जो पार्ट्स होता है इसको मुगद्दर के आकार होता है, क्या होता है मुगद्दर के आकार होता है, और यही जो पार्ट्स देख रहे हो तुम लोग ये पार्ट्स को डाई एनसेफलॉन कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग यहीं पर डाई एनसेफलॉन, ये जो तुम्हारा घ्राम पिंड सिर कहते हैं, तो घ्राम पिंड का मतलब क्या हो गया जो किसी चीज का गंध जो लेते हो वह गंध जो होता है वह इसी पिंड के द्वारा यही हिस्सा का नियंत्रण होता है, अब देखा जाए बाकी समझिए यहाँ पे, तो इसके अलावा क्या होते हैं कि देखा जाए यहाँ से इसका सबसे बड़ा पार्ट्स होता है यानी कि इसमें दो यानी अर्धगोला होता है, मेन देखिए आप ये जो अग्र मस्तिष्क जो कर रहे हो इसका सबसे बड़ा इलाका यही होता है यानी इसमें जो है दो अर्धगोला, ठीक है समझिए, ये जो होता है देख रहे एक अर्धगोला ये होता है और एक अर्धगोला ये होता है, यही अर्धगोला देखे दोनों एक पतली दरार के द्वारा यहाँ पर देखे जुड़ा होता है, एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक होती है जिसको देखिए इस तरह से आपका जो होता है मतलब इस तरह से धमके रहता है दोनों के ज्वाइंट रहता है, इसके बाद देखा जाए तो ये जो भाग देख रहा है थोड़ा सा एकदम छोटा दिखाई है लेकिन याद करना कि ये पार्ट जो होता है अग्र मस्तिष्क का क्या पूरे मस्तिष्क का कहिए कि 80% एरिया देखा कभी कभी मिड मंडी में गया 80 उस जहां कटाता है उसका सिर को जब छीलेगा तो देखना अंदर में वो गोला जैसा निकलेगा, देखे हो तुम लोग लड़की लोग तो नहीं देखी होगी लेकिन लड़के लोग कभी कभी मांस लाने के लिए जाते हैं मार्केट में तो देखना उसका सिर जब देखता है बनाता है मांस लाने वाला तो कान काट देता है उसका देता है दांत निकाल देता है जीभ निकाल देता है, आज बकरीद के भी दिन है देखा भी होगा लोग कुछ लोग तो देखता है उसको लास्ट में क्या होगा कि जैसे नारियल का गोला देखे हो
तरह से नारियल के गोला के अंदर से निकलता है, जो बता रहे हैं कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मस्तिष्क, इसी को कहते हैं सेरेब्रम। और तुम्हारा पांच वो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें तुम्हें पता है कि नाक है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, कान है, इस सब पर नियंत्रण जो होता है वह समझे कि आपका अग्र मस्तिष्क है, पार्ट दिख रहा है, इसको परम मस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। अब सेरेब्रम के ऊपर में जो होता है माने अनियमित आकार के, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से आएगी, तो इसकी जो बाहरी जो पार्ट्स दिख रहा है इस तरह से देखा जाए ऐसे ये आपका रहते हैं, ठीक है। इस तरह से अनियमित आकार का बाहर बाहर देखे इस तरह से आकृति बनता है, ठीक है। इस तरह से यानी बाहर में इसकी आकृति इस तरह से बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए यहाँ पे आकृति होता है, इसी तरह से मानते हैं ये अनिश्चित आकृति यहाँ पर बनते जाता है, ठीक है ना। तो यही पर देखा जाए इस तरह से जो होता है ये जो पार्ट्स दिख रहा है सब, ये पार्ट्स कहाँ का है, सब ये देखिए अग्र पार्ट्स है, अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा दिख रहे पार्ट्स यहाँ तला, ये सब अग्र का पार्ट्स है। अब यहाँ पर देखा जाए इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां से चला जाए इस तरह से आए, ठीक है, यहां से देखा जाए इस तरह से पार्ट्स यहां। अब देखिए कि ये जो हमने कह रहे हैं कि ये सतह जो देखा जाए बाहरी सतह नहीं, देखा जाए दिखा रहे हैं, तो ये जो बाहरी जो सतह है तो ये तो तुम्हारा हो गया कि यानी कौन सी, यानी परम मस्तिष्क करे, जिसको शरीर भ्रम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं शरीर भ्रम बोल रहे हैं, देखा जाए तो यही तो हो गया तुम्हारा, हो गया परम मस्तिष्क। और ये पूरा जो ब्रेन है, आप ब्रेन का जितना आयतन होता है उसका 80% आपका बताता है कि करीब करीब ये अग्र मस्तिष्क में यही इलाका छिप रहता है। होते तो ये कि अग्र भाग में ये देखा जाए ध्यान पिंड भी आते हैं, कौन पिंड आता है, ध्यान पिंड आता है। और यही पर देखिए एक जो होता है पार्ट से नेत्र का सेकेंड जो मध्य भाग में रहता है, समझिए ये जो होता है ये सब तो आपका बाहरी पृष्ठ, ठीक है जी, ये देखा जाए बाहरी पृष्ठ में आते हैं, ये बाहरी पृष्ठ में आते हैं, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क में ही ये पार्ट्स आता है। लेकिन ये जो घ्राम पिंड हम करें, कौन पिंड करें, घ्राम पिंड करें, इसके नीचे भी बताओ तो इलाका भी है जो देखा जाए ठीक परम मस्तिष्क के नीचे में आ रहा है, तो ये जो पार्ट्स रहता है तो इसी को डाल एनसेफ्रॉन कहते हैं। तो देखा जाए अग्र मस्तिष्क में तीन पार्ट्स, तीन को पार्ट्स में दिखाना है, तो एक जो होता है सबसे बड़ा पार्ट से परम मस्तिष्क होता है, दूसरा जो देखता है ये जो देख रहा है घ्राण पिंड जो देखता है कौरा जैसा है, ये घ्राण पिंड है, और ये जो पार्ट से यहाँ देख रहा है ये सभी, तो ये सभी पार्ट जो हो जाते हैं समझिए सब लगते, तो ये जो पार्ट देख रहा है इसी को डाई एनसेफलॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, डाई एनसेफलॉन कहते हैं, समझिए। तो इतना बड़ा पार्ट जो हो गया ये तुम्हारा अग्र मस्तिष्क का हो गया, सोच लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट हो गया। लेकिन अब देखा है एक पार्ट पहुंचे था, ये पूरा जो हम दिखा रहे हैं ये समझिए अग्र मस्तिष्क का फिगर है, कौन फिगर, अग्र मस्तिष्क, यानी पूरा चलाया टिक्की तक आ गया, कहाँ तक आ गया, हाँ यहाँ से कान के बगल से एक खोपड़ी होता है, तो इतना दूर ये तुम्हारा अग्र मस्तिष्क होता है। लेकिन कभी कभी देखा होगा कि जब मानते कोई लंबा लड़का हो और गेट से पार कर रहा हो और गेट कहीं छोटा हो, तब गेट कहीं छोटा हो और अचानक लड़का खड़ा हो गया, उसका बताओ सिर में कस करके चोट लगा कि नहीं, तो जब चोट लगा होगा तो लड़का देखा होगा कि आंख के आगे अंधेरा छा गया, क्या छा गया, अंधेरा, देखा ये लड़के लोग कभी, हाँ जो लंबा लड़के
लेकर मतलब है कि उसका आंख जब लाल हो गया तब देखिए उसका मध्य मस्से सब सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि देखता है शराब पीने वाला को, शराब जब पीलेगा और उसका मध्य मस्से पर जब नशा छा जाता है तो उस आदमी को रास्ता दिखाई पड़ता है। जैसे चलना चाहिए रास्ता रोड पर तो चले, अगर नल्ले में और नलिए में गिर के देखो पानी पी रहा है नहीं लेता है। इधर मतलब है अगर मध्य मस्से नहीं काम कर रहा है, आंख नहीं काम कर रही है, आंख पर कंट्रोलिंग करना ये मध्य मस्तिष्क का काम है। ऐसी मध्य मस्तिष्क में गोल गोल जो होते हैं आपका चार जो का छिद्र बना होता है, समझ रहे हो? इस तरह से चार छिद्र बने रहते हैं। ऐसी छिद्र को हम लोग कहते हैं कारपोरा क्वाड्री गेमिना कहते हैं। ये जो गोल गोल छिद्र है ना इसी को कहते हैं कारपोरा क्वाड्री गेमिना, याद रहेगा। अब देखा जाए तो ये हो गया इसका मध्य मस्तिष्क आ गई। अब जो देखता है हम पीछे वाला बाहर का निकाल लेते, बाल का मुंडन करवाते हो तो बताओ कि पीछे निकला हुआ है कि नहीं है। तब पीछे जो निकला हुआ रहता है वही होता है मध्य सॉरी पश्चिम मस्तिष्क, यानी पश्चिम मतलब पीछे। तब पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है याद कीजिएगा वह पीछे ऊपरा खोपड़ी जो बना हुआ बाहर निकला हुआ कि नहीं, यहां से लेकर गर्दन तक आ जाइए तब वो हो गया पीछे वाला मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क में देखिए क्या होते हैं, इसके भी देखिए आपका तीन पार्ट होता है। तो यहां से देखिए यानी गर्दन की तरफ उतरता है, किधर उतरता है? हाँ गर्दन की तरफ देखिए उतरते हैं। तो गर्दन की तरफ उतरता है तो देखा है एक जो होता है इस तरह से चला गया, बाकी के पहले एक जो होते हैं समझिए तो इस तरह से जो अभी हमने कह रहे थे कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो बाहर की तरफ जो निकला होता है तो यही समझिए निकला हुआ पार्ट से पीछे। तो एक जो होता है एक भी क्या होता है कि एक भी एक गोला के समान होता है, क्या होता है बात समझिएगा। और इसी में जो होता है ये चारों तरफ जो होता है ये पट्टियां होती है, क्या होते हैं चारों तरफ पट्टियां रहती है इस तरह से। और याद कीजिएगा कि बता कि सबसे बड़ा पार्ट तो ये है ब्रेन का ब्रह्मस्तिष्क जिसको शरीर ब्रह्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो होता है इसको शरीर बेलम कहते हैं, क्या कहते हैं शरीर बेलम बोलते हैं। याद रखना समझ के ये जो पार्ट होता है इसको शरीर बेलम कहिए या इसे को अनुमस्तिष्क कहते हैं, क्या कहते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं, समझिए। अब यहां से देखा जाए ये जो झिल्ली है वह झिल्ली यहां तक बताओ चलाता है, पूरा को देखिए इस तरह से लेते हैं पूरा यहां से बताओ गिरता है, ठीक है। ये भी आपका झिल्ली से गिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी देखे तीन झिल्ली यहाँ पे रखा है, तो ये जो होता है तो सबसे बड़ा पार्ट हो गया परम मस्तिष्क। और एकर बाद अगर छोटा पार्ट इसके बाद दूसरा नंबर पर है तब वो है अनु मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अनु मस्तिष्क होता है। इसी देखो फर्स्ट मस्तिष्क के मतलब यहाँ से देखिए हम नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ से देखा जाए ये जो आपका जब देखिए यहाँ पर आ गया गर्दन के पास आ रहा पीछे, तो यहाँ पर देखिए ठीक इसी के सामने ठीक है ये तो मांसल पार्ट आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे पट्टी प्लेट होता है उसी प्लेट जैसा देखिए ये पार्ट होता है। तो ऐसे को हम लोग देखिए कहते हैं तो इसको बोलते हैं पॉन्स बेरोलाई बोलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं तो पॉन्स बेरोलाई। तो ये पॉन्स बेरोलाई ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद देखा जाए यहाँ से देखिए गर्दन पर, आप लोग तो हमेशा माना करते हैं कि घर में छोटा भाई बहन हो तो उसको गर्दन पर पीछे मत मारना उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। एक जो देखा जाए आपका होता है अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होते हैं वह देखिए इसी पार्ट से होता है, इसी पार्ट को कहते हैं मेडुला अवलंगाटा कहते हैं, क्या बोलते हैं मेडुला अवलंगाटा, ठीक है ना। तब मेडुला अवलंगाटा इसी को कहते हैं। तो देखा जाए
पीछे बैक साइड में है, आगे में हो गया आगु मस्तिष्क, आगु मस्तिष्क के ठीक नीचे अधर तल में इसका हो गया मध्य मस्तिष्क जो आंख की कंट्रोल करते हैं, और ये जो जितना मुकद्दर जैसा बनल है इसको इसको ग्रैंड प्रिमिट कहते हैं, और ये जो भाग देख रहे हो ये डार्क एनसेफलॉन होता है, और इसी डार्क एनसेफलॉन में समझिए कि यहाँ पर एक हार्मोन की ग्रंथि होती है, तो हार्मोन की ग्रंथि जो यहाँ पर देखे होती है समझिए, तो इसी ग्रंथि को हम लोग हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ाए हैं जब अंतःस्रावी ग्रंथियां बता रहे थे, तब हाइपोथैलेमस ग्रंथि याद है ना, जहां से तुम लोग के हम न्यूरो हार्मोन निकाले थे, कौन हार्मोन, न्यूरो हार्मोन ही से, और इसी में देखा जाए इसी के ठीक नीचे मतलब यहां पर देखिए एक ग्रंथि होता है, अग्रे भाग में ग्रंथि है, तो इसी ग्रंथि को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, कौन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहते हो, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हो, यहीं से देखिए आपका वृद्धि हार्मोन निकाले थे, इसका भी तीन पार्ट हो गया था, अग्र पश्च और मध्य, तो देखिए ये भी तीन पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा कि इस तरह से यही जो पार्ट होता है यही पर होता है पीयूष ग्रंथि, तो ये बताओ कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि माने पीयूष ग्रंथि ये सब कहाँ कहाँ पार्ट है, आप लोग सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, तो क्या आप भी ब्रेन का फिगर बना सकते हैं, तो चलिए शुरू कर दीजिए, तो देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं, अगर आप लोग से ब्रेन का फिगर बन जाएगा तो देखिए इसका एक एक पार्ट के बारे में हम लोग को बताएंगे जो अगले होगा क्लास में, आज की क्लास से ही रोकते हैं, पहले आप लोग क्लियर बनाइए और इसको पहले पार्ट का नाम याद करो, इसमें और बहुत सारे टिप्स भी बताने वाले हैं, यहाँ पर देखा जाए जो मस्तिष्क के ऊपर जो दिख रहा है अनियमित जो आकार बना हुआ है, ये जो बाहर तरफ निकला हुआ है इसी को हम लोग गायरस कहते हैं, बात समझना, और देखिए दो गायरस है, एक पीछे में बताओ धसल धसल है कि नहीं है, तो जो बीच में धंसा हुआ जो भाग होता है इसी को सल्कस कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्कस, शब्द के ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा